नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका SCS में। और आज मैं ज़रा चर्चा करने जा रहा हूँ RO ARO 2021 का जो रिजल्ट आया है फाइनल, उसकी कट ऑफ के बारे में। ठीक है, तो देखो पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो इसकी कट ऑफ है वो ऑफिशियली अभी नहीं आई है। ठीक है, और आयोग इसको हाल ही में बताने वाला भी नहीं है। मान के चलो हाँ, 1-1.5 साल बाद ज़रूर बता देगा। ठीक है, लेकिन अभी जैसे हम बात करें तो उस आधार पर आयोग नहीं बताने वाला है कि इसकी कट ऑफ क्या रही है। ठीक है, अच्छा मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ, फिर मेरे को कैसे पता या मैं इसका आइडिया कैसे लगा रहा हूँ? तो मैं इसका आइडिया इस बात पर लगा रहा हूँ कि हमारे यहाँ से जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं RO ARO में, जैसे कुछ सिलेक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको भरोसा हो जाए कि हाँ ठीक है, मैं जो है सही बोल रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ सिलेक्शन है हमारे यहाँ से। देखिए ये RO, ये सब मैसेजेस हैं। ठीक है, RO ARO में हमारा सिलेक्शन हो चुका है, और देख लीजिए। ठीक है, और देख लो बहुत सारे हैं। ठीक है, ये सब जो है सचिवालय के पद पर समीक्षा अधिकारी है। ठीक, तो इस तरीके से इन सभी विद्यार्थियों के जो है सिलेक्शन हमारे यहाँ पर, जो ये जो हमारा पेड जो ग्रुप चलता है उससे जो सिलेक्शन हुए हैं उसके ये विद्यार्थी हैं। और इनसे बात करने के बाद, इन सभी विद्यार्थियों से बातचीत करने के बाद जो आइडिया लगा है कि इसका कट ऑफ क्या रहा होगा साथियों, तो उसके आधार पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए RO का जो कट ऑफ रहा होगा, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, वो रहा होगा 270 से 280 अंक का। ठीक, और ये कुल अंक हैं 400। ठीक, तो 400 में से, ठीक 400 में से जिसके करीब करीब 270 या 280 अंक बने हैं उसका सिलेक्शन करीब करीब इसमें हो चुका है, जहाँ तक मेरे पास जानकारी आई है, जहाँ तक हमारी टीम के पास जानकारी आई है। उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि RO ARO में जो फाइनल सिलेक्शन हुआ है वो 270-280 तक हो गया है। अब देखिए, इसका एग्जैक्ट डेटा तो केवल आयोग ही बता सकता है। ठीक है, हम लोग नहीं बता सकते। उसका कारण है कि इसके कोई भी जो है बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा क्यों नहीं बता सकता, क्योंकि देखिए इसमें 2-3 कारण है इसके। पहला कारण तो देखिए ये है कि यहाँ पर जो देखिए हिंदी का जो पेपर है, हिंदी में आप जो है ऑब्जेक्टिव होगा वो आप बता पाओगे। ठीक है, इसके अलावा जो आपका GS का पेपर है ऑब्जेक्टिव होगा, आप बता पाओगे। लेकिन इसी में जो ऐसे का पेपर है ना, जो ऐसे का पेपर है, ठीक जो ऐसे का पेपर है या जो हिंदी में लेखन का पेपर है, उसके नंबर आप नहीं बता सकते, क्योंकि उसमें जो है लिखने को आया है और उसमें किसको कितने नंबर मिले हैं ये तो जब फाइनल कॉपी आ जाएगी तभी पता चलेगा। ठीक, क्योंकि इसमें आप नहीं पता कर सकते भाई। ऑब्जेक्टिव में तो आप पता कर लोगे कि ठीक है मेरा पहले का जो है ए सही है, दूसरे का सी सही है, तो उस आधार पर जो है हो जाएगा, बट यहाँ पर नहीं बता सकते आप। इसी वजह से ये जो है केवल अंदेशा मात्र है इस आधार पर कि हमारे यहाँ से जो सिलेक्शन हुए हैं उसके आधार पर क्या मेरिट रही होगी। तो मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि 280 से 270 के, यानी 270 से 280 के बीच में जिनके नंबर हैं 400 में से, उनका सिलेक्शन करीब करीब हो गया है। ठीक है, ये केवल एक अंदाजा मात्र है, इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बिल्कुल हो सकता है, संभावना हो सकती है। बाकी फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी तो आयोग ही बताएगा। ठीक, अब यहाँ से आपको क्या सीख लेनी है, ये आप देखो, यहाँ से आपको सीख ये लेनी है कि अगर आप 2023 में तैयारी कर रहे हैं RO ARO की, 2023 में आप RO ARO की तैयारी कर रहे हो साथियों, तो ऐसे में जो आपको टारगेट रखना है, क्योंकि देखिए प्री के नंबर तो जुड़ेंगे नहीं, मेंस के नंबर ही जुड़ेंगे, तो प्री को तो आप हटा दो, वो तो 200 नंबर हटा दीजिए आप। मेंस के जो 400 नंबर का खेला है उसमें कम से कम आपको टारगेट 280 से 290 नंबर का रखना पड़ेगा, कम से कम बता रहा हूँ। ठीक, इतने अगर आपके नंबर बन रहे हैं तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से नंबरों को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मेंस में कम से कम आप 400 में से टारगेट रखें 290 का, तब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। यदि आपके नंबर 220 या 250 के आसपास रह गए तो आपका फाइनल सिलेक्शन रुक जाएगा। तो ऐसे में आपको तैयारी अच्छी करनी है। ठीक, तो आप उसी हिसाब से अपना टारगेट सेट करिए। दूसरा ये कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो बिल्कुल हमारे पेड ग्रुप चलते हैं, उसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हो और आसानी से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। सिलेक्शन आपने देख ही लिया, कितने सारे सिलेक्शन हैं हमारे यहाँ से, 28 प्लस सिलेक्शन की जानकारी तो अभी मुझे है SCS से, बाकी और भी बढ़ेंगे तो मैं आपको अपडेट करूँगा। ठीक है, तो करीब करीब 270-280 नंबर के आसपास मेरिट गई है। आप 2023 के एस्पिरेंट हैं RO ARO के लिए, तो मेहनत करना शुरू कर दीजिए। मई जून के आसपास पेपर होगा, 4 से 5 महीने का समय है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए और मेंस पर विशेषकर फोकस करिए, क्योंकि जो मेरिट बनेगी वो मेंस के आधार पर ही बनेगी। कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो कमेंट के आप से पूछिए। मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।